मोदी जी विदेशी दौरा कर भारत लौटे हैं। विदेश में भारत का बहुत नाम है और पंतप्रधान मोदी का दुनिया में हो रहा सम्मान देखकर विपक्ष की पार्टियों के पेट में दर्द हो रहा है, ऐसी बात पत्रकारों से बात करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कही। मला अतिशय आनंद होतो आहे, ज्या अरविंद केजरीवालांनी पवार साहेबांबद्दल असे असे शब्द वापरले होते की मी वापरू शकत नाही। म्हणजे त्यांचे व्हिडिओ आता सर्क्युलेट होत आहेत, आता त्यांच्याकडे ते चालले आहेत। उद्धव ठाकरेंबद्दल ते काय बोलले होते हे आपण बघितलं, उद्धव ठाकरे किंवा शिवसेना अरविंद केजरीवालांबद्दल काय बोलली होती हे आपण सगळ्यांनी बघितलेलं आहे। आता ते सगळे एकत्रित येत आहेत, मोदी विरोध करण्याकरता हे सगळे लोक एकत्रित होत आहेत। पण यांनी किती विरोध केला तरीही एक गोष्ट लक्षात ठेवा की माननीय मोदीजींवर जनतेचा विश्वास आहे। खरं तर या निमित्ताने मला आपल्याला सांगायचं आहे, आजच माननीय मोदीजी एक परदेश दौरा करून परत आले आणि भारताचा मान सन्मान काय हे या परदेश दौऱ्यामध्ये आपण बघितलेलं आहे। ज्या प्रकारे पापुआ न्यू गिनी या ठिकाणी त्यांचं स्वागत झालं आणि त्यांना त्या देशाचा सर्वोच्च सन्मान मिळाला, फिजी देशाने आपला सर्वोच्च सन्मान त्यांना दिला, ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांनी त्यांना बॉस म्हटलं आणि अमेरिकेचे पंतप्रधान अमेरिकेचे राष्ट्रपती असं म्हणाले की मोदींची सिग्नेचर मला घ्यायची आहे आणि मोदींचा कार्यक्रम घेतला तर पासेस कसे द्यायचे असा प्रश्न आमच्या समोर तयार होतो। ज्या प्रकारे परदेशामध्ये मोदीजींना रिसेप्शन मिळालंय, परदेशातल्या लोकांनी आणि भारतीयांनी ज्या प्रकारे त्यांना डोक्यावर घेतलंय, आपला नेता आपल्या देशाचा नेता वैश्विक नेता झालेला आज आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि याचा खरोखर सगळ्यांना आनंद झाला पाहिजे। पण तो काही लोकांना आनंद होत नाहीये, काही लोकांच्या पोटात दुखताय, त्यांच्या किती पोटात दुखलं तरी मोदीजी हे वैश्विक नेते झाले आहेत, आम्ही त्यांचं अभिनंदन करतो। आज मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत दुनिया के अलग अलग देशों में अभी हुआ है, इससे यह स्पष्ट होता है कि मोदी जी को वैश्विक नेता का स्थान अब पूरी दुनिया ने दिया है। पापुआ न्यू गिनी यहां पर जिस प्रकार से उनका स्वागत हुआ है, उनको सर्वोच्च सम्मान वहां का दिया गया है, फिजी में उनको सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, अलग अलग देशों के लोग कहते हैं कि मोदी जी आप ही हमारी आवाज बन सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी जी को कहते हैं ये बॉस है, अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं मोदी जी की सिग्नेचर लेनी चाहिए और मोदी जी के कार्यक्रम में किस प्रकार से पासेस दी जाए एक हमारे सामने प्रश्न उपस्थित होता है। जिस प्रकार से जापान में उनका स्वागत हुआ है तो ये बात स्पष्ट हुई है, हमारे नेता हमारे भारत के नेता ये विश्व के नेता के रूप में उभरे हैं और ये केवल मोदी जी का सम्मान नहीं हो रहा है, ये भारत देश का सम्मान हो रहा है। इससे केवल मोदी जी का नाम ऊंचा नहीं हो रहा है, इससे भारत देश का नाम ऊंचा हो रहा है और ये सारे सम्मान को देखकर हम लोग भी गदगद है। भारत देश का जन जन इसमें बहुत आनंदित है, उत्साहित है। ये बात और है कि भारत का सम्मान और मोदी जी का सम्मान कुछ लोगों को देखा नहीं जाता, उनके पेट में दर्द होता है, उनके पेट दर्द की दवा हमारे पास नहीं है।